Hi guys and welcome back to our channel. Today's video is a review video and I'm trying to be more consistent with review videos because I've been seeing a lot of products getting viral like so easily and लोग उन्हें मंगा लेते हैं बाद में वो उनके काम नहीं आते हैं. It's like a dead investment. But I want कि मैं utmost honesty के साथ आपको उन्हीं viral products के बिल्कुल honest रिव्यू दूं जिससे आपको आपका जो हार्ड अर्न मनी है उसमें डालने से पहले पता चल जाए वेदर इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू और नॉट. सो इफ यू वांट टू सी मोर सच वीडियोस एंड आल्सो अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इफ यू वांट मी टू लाइक मेक अ वीडियो यू कैन डेफिनेटली कमेंट इट डाउन एंड लेट मी नो. टूडे आई विल बी रिव्यूइंग द वेरी वायरल कोजी सेंस सोप विच इज नोन फॉर स्किन लाइटनिंग. वैसे मैं सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडीज पे ही बिलीव करती हूँ फॉर स्किन स्किन हेल्थ फॉर स्किन टेक्सचर. बट बिकॉज दिस इज अ वायरल प्रोडक्ट आई वॉन्टेड टू ट्राई. मैंने देखा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स एंड एवरीबडी इज यूजिंग इट. सो दिस इज माई टेक ऑन कोजी सेंस सोप. मैंने इस सोप को फॉर अ वीक रिलीजियसली यूज किया है और सिर्फ मैंने यूज नहीं किया, मैंने मेरी सिस्टर को दिया, मैंने मेरी मदर को दिया एंड उन लोगों को भी जो रिजल्ट मिले हैं मैं सब कुछ आपसे शेयर करने वाली हूँ. गाइज पहले आप मेरी 7 days की जर्नी देख लीजिए. So this is how my skin looks like after one wash. As I've told you, I have pigmentation, you know, around my mouth, this, especially this and a little bit over here and also over here. So अभी मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया है एंड माई स्किन फील्स रियली ड्राई. मुझसे बोला भी नहीं जा रहा इतना ज्यादा, मतलब मेरी स्किन ड्राई हो गई एंड दैट सोप यू नो इट, मतलब वो इतना ज्यादा पिघल जाता है बिल्कुल ऐसे हाथ में. सो यू हैव टू यूज इट वेरी केयरफुली एंड आप चाहो तो जैसे इंटरनेट पे बहुत ज्यादा जब वो वायरल हुआ तो पीपल यूज टू कट इट इन टू पीसेज एंड देन यूज इट, बट उससे वो और ज्यादा स्लिपरी होता है हाथों में, इसलिए मैंने उसको पूरा यूज किया. बट वो थोड़ा सा ही बहुत ज्यादा होता है और मैंने उसको जैसे सबने बोला था कि यू हैव टू कीप इट फॉर लाइक अ मिनट और टू, तो मैंने वैसे ही रखा. बट माई स्किन फील्स रियली रियली ड्राई राइट नाउ. बाकी लेट्स सी आगे क्या होता है. हमें जो पिगमेंटेशन हटाने का क्लेम है, जो टैनिंग हटाने का क्लेम है, वो कितना काम करता हुआ दिखता है. दिस इज डे 2 ऑफ यूजिंग कोजी सेंस सोप एंड गाइज हियर द लाइटिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट. आई गेस माय माउथ पिगमेंटेशन इज आल्सो प्रीटी विजिबल. यस इट इज. सो गाइज देयर आर सर्टेन थिंग्स आई वांट टू टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब वो सोप यूज किया एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, आई एम क्लीनिंग अप माई हाउस. सो जब मैंने दूसरी बार वो यूज किया, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेटेड ऑन माई यू नो दिस पर्टिकुलर एरिया एंड दीज एरियाज, आई प्रॉपरली रब्ड इट, नॉट वेरी विग्रसली बट यू नो लाइक वेरी जेंटली. बट वेन आई वॉश माई फेस एंड ट्राई टू पुट इन सम मॉइस्चराइजर, इट वॉज बर्निंग लाइक रियली रियली बैड एंड आई हैव ऑल्सो गॉट सम सॉर्ट ऑफ एलर्जी. यू गाइज कैन सी ये एलर्जी जो आप देख रहे हो ये भी उसी की वजह से हुई एंड आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन माई लिप्स ऑल्सो बिकॉज आई हैव लिटिल पिगमेंटेशन ओवर हियर एंड ओवर हियर ओवर हियर ऑल्सो. सो आप देख सकते हो उसी जगह पर ये मुझे एलर्जी हो गई है. बट आई एम स्टिल नॉट जजिंग इट बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव इट सम टाइम एंड मे बी हो सकता है माई स्किन टाइप इज नॉट यू नो सूटेबल फॉर दिस सोप और एनीथिंग, पर इट्स वेरी ड्राइंग. ये बात तो मैंने सेकेंड डे भी नोटिस कर ली, इट्स वेरी वेरी ड्राइंग. सो दैट्स इट फॉर द अपडेट. मीट यू गाइज ऑन डे 3. आई एम डन विद माई शूट एंड नाउ आई एम गोइंग टू वॉश माई फेस एंड दिस इज डे 3. और जो मेरी एलर्जी थी वो काफी हद तक अब ठीक हो गई, पहले वो यहां तक आ गई थी बट अभी काफी ठीक है. सो लेट्स वॉश आवर फेस एंड आई डोंट नो अगर ये ट्रिगर हो गई ज्यादा तो I might stop using it also, but let's see what happens. Let's see. I can't open my eyes because they're burning. Actually, very burning. Oh, I don't know why I got these. This is day 4, and I washed my face and. अगेन आई डोंट नो ये इसी प्रोसेस में मेरे साथ इतनी सारी चीजें क्यों हुई है. यू सी दैट आई ये आप ना पूरी कल भी जल्द जितनी बार भी मैंने यूज किया ना स्पेशली कल मुझे यहां से बहुत जल रही थी एंड यू गाइज कैन सी दैट इट हैज फॉलन अ बिट एंड इट इज आफ्टर यूजिंग द सोप ओनली. सो गाइज अगर आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो पहली बात तो दिस इज अ गुड थिंग, दैट मीन्स द सोप इज वर्किंग. बट आई गेस द सेंसेशन इज लाइक टू मच फॉर मी और या मेरी आंख में वो चला गया, समथिंग इज wrong but my eye is swollen like really bad. But again I have some updates as you can see guys. Let me just go in some better lighting. Yeah, so I guess now everything is pretty visible. ये pigmentation कम हो रहा है of course and ये भी मुझे बहुत कम होते हुए दिख रहे हैं side वाले भी. So I would say that it's working.
All I can say is the people who have sensitive skin or you know very thin skin, then please थोड़ा सा ध्यान रखिए ही आप इसे यूज करें. एंड वन मोर थिंग, अगर आपकी आंख में जरा सा भी जाता है ना, तो पहले उसको निकालना, उसके बाद में यू नो लीव इट फॉर लाइक 5 मिनट्स, वरना फिर आपकी आंख में ऐसा कुछ हो सकता है. सो गाइस, दैट्स ऑल द अपडेट दैट आई हैव बिफोर. एंड माय आई इज लाइक काइंड ऑफ बेटर, बट इट्स स्टिल वेरी इची. एंड दिस इज हाउ माई फेस लुक्स यू गाइज. The pigmentation has definitely reduced, but not like it's not like बहुत कम हो गया है, थोड़ा कम हुआ है. And I think अगर मैं इसको regularly use करूँगी तो शायद पूरा भी ठीक हो जाए. But मुझे ऐसा लगता है कि it makes your skin really sensitive. It has made my skin really really sensitive. Dry तो मेरी skin थी ही, but इतनी sensitive नहीं थी. जैसे मुझे ये हो गया नहीं, you see ये भी अभी तक पूरा गया नहीं है. It's like a bad black spot that has like formed. But yeah, the skin is pretty fine. The sensitivity and the dryness is only a concern that I have. Otherwise, I'm not complaining. It has made my skin better. Day 5, और मैंने as per instructions इसको अपने face पर छोड़ दिया है, क्योंकि इसको लगा नहीं पता आपको at least 5 minutes छोड़ना पड़ता है. And now I'm gonna wash it off and come back. देखो ये कितना ज़्यादा melt होता है, सिर्फ skin पे भी कभी कभी रह जाता है. Little update and not really impressing. You see that texture on my skin. मैंने बड़ी मुश्किल से मेरी स्किन पे जितना भी टेक्सचर था वो निकाला था यूजिंग ऑल द रेमेडीज एंड एवरीथिंग, बट इसकी वजह से वो वापस आ गया. बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग एल्स ऑन माई फेस एंड ओनली दैट सोप दैट हैज बीन चेंज. तो सो आई गेस ये उसी वजह से है. दिस सोप डू गिव यू अ लिटिल ग्लो, but then again मेरा वही opinion है, people who have thin skin, sensitive skin should not go for this. ये तो मैं अब समझ गई हूँ guys. So it's day 5 and I am pretty consistent. Day 7 और I'm really sorry, मैं day 6 shoot करना भूल गई. So this is day 7 and this is how my skin looks. So yeah, I'm happy also and I'm also disappointed on certain things, but let's just talk about it properly. So ये जो मेरी 7 days की journey थी, ये देखकर आपको काफी हद तक idea हो ही गया होगा whether this product is for you or not. But still I want to add certain things. पहली चीज, sensitive skin वाले तो मैं recommend करूंगी इससे दूर रहना, क्योंकि it says that it's safe for skin lightening and I also believe it is. But then it has a strong formula, you guys. जैसे मैंने बताया मेरी lips पे और मेरी eyes पे, और मुझे पता है इसकी वजह से हुआ है क्योंकि मेरी स्किन केयर में पहली बार मैंने कुछ और चेंज किया नहीं था. और एक दिन पहले ना मुझे वो अपने लिप्स पे और आईज पे ना टिंगलिंग महसूस हो गई थी. माय आई गॉट स्टेन बिकॉज यू नो इट वेंट इनटू माय आईज. ऑफ कोर्स वहां थोड़ी बहुत मेरी भी गलती थी, मुझे उसको बिल्कुल भी अपनी आई के पास यूज नहीं करना चाहिए था, बट मैंने कर लिया था. तो कीप दैट इन योर माइंड कि आप गलती से भी उसको आंख के पास यूज ना कर लो. बट जो चीजें मैंने नोटिस की वो पहला ये है, आप मेरा जो यहां पर पिगमेंटेशन था ना, मैंने कई बार इसके बारे में बात की, मेरा जो यहां पर पिगमेंटेशन है ये मेरा बहुत पहले से, मतलब इट्स लाइक ये कभी जाता नहीं था, मैंने बहुत कुछ यूज किया बट ये जा चुका है. इट्स लाइक इट हैज फेडेड गाइज, इट हैज लिटरली फेडेड. एंड मतलब इसके लिए तो मैं सच में आई हैव टू गिव इट अ अपलॉड कि इसने उस पर तो बहुत अच्छा काम किया है. अगर मैं स्किन लाइटनिंग की बात करूं तो देखो मेरा पिगमेंटेशन कम हुआ है, तो मैं कहीं ना कहीं उसको उसी कैटेगरी में डालूंगी कि हाँ इट हैज यू नो इट हैज वर्क. कुछ दिन के लिए वो ऐसा ही रहा, बट देन आई स्टार्टेड सीइंग दैट यू नो पिगमेंटेशन अगेन, थोड़ा सा ऐसे यहां पर ये देखो ये चीज दिख रही है आपको, ये चीज मुझे फिर से दिखने लगी. सो रिजल्ट आर नॉट परमानेंट. इफ यू वॉन्ट टू मेक दम परमानेंट यू हैव टू यूज इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. वॉट यू कैन डू इज यू कैन यूज इट ऑफ एंड ऑन, मतलब जैसे आपने एक वीक यूज कर लिया, फिर आपने थोड़ा रेस्ट दिया स्किन को, फॉर 2-3 days यू आर नॉट यूजिंग इट, देन यू कैन यूज इट फॉर यू नो लाइक अ वीक और मे बी 2 days एंड देन गिव अ गैप ऑफ 1 day एंड देन 2 days अगेन. सो आप ऐसा कुछ कर सकते हो. मेरा एक छोटा सा कंसर्न और था इस सोप को लेकर, इज द टेक्स्चर ऑन द स्किन. मेरी स्किन पे बिल्कुल भी टेक्स्चर नहीं था, मैंने जैसे बोला, और मेरे को ना यहां पर कुछ ऐसा टेक्सचर महसूस हुआ, वो आपने देख लिया होगा वीडियो में मैंने बताया, वो चीज मुझे हुई. सो इफ यू हैव टेक्सचर्ड स्किन जस्ट गिव इट अ पैच टेस्ट एंड देन ओनली यूज इट. क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि सबकी स्किन पे टेक्सचर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं तो ये कहूंगी कि पहले आप पैच टेस्ट करना, उसके बाद ही ट्राई करना. एंड अगेन मैं जैसे बोल रही हूँ, इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है गाइस, सो यू हैव टू लाइक थिंक अ लॉट बिफोर यूजिंग इट. सो इन 7 days आई थिंक इट हैज डन अ गुड जॉब. इट गेट्स अ गुड 3 out of 5 for me, yeah, I guess. Because इसने जो इसके क्लेम्स थे स्किन लाइटिंग वो तो इसने की,
बाकी जो चीजें थी वो मैंने आपको बताई थी. टॉकिंग अबाउट माई सिस्टर्स एक्सपीरियंस, माई सिस्टर हैड बैड एक्ने. वेन वी शिफ्टेड टू दिस फ्लैट हर स्किन वॉज लाइक रियली बैड, मतलब इतनी बुरी हो गई थी ना. शी हैड स्पॉट्स ऑल ओवर हर फॉरहेड, ऑन हर चीक्स एंड यू नो ऑन हर चिन ऑल्सो, एंड देन ग्रोइंग एक्ने ऑल्सो. बट देन वेन शी स्टार्टेड यूजिंग इट, तो पहले तो उसका एक्ने वैसे पहले ही ठीक हो गया था और जो स्पॉट्स थे वो रह गए थे. तो शी वॉज लाइक यार मुझे स्पॉट्स के लिए कुछ करना है, तो मैंने कहा चलो मैं ये भी इसके ऊपर भी ट्राई कर सकती हूँ, तो मैं और अच्छे से आपको रिव्यू बता पाऊंगी. उसके स्पॉट्स लिटरली गायब हुए हैं और उसकी स्किन भी काफी अच्छे, उसके मतलब जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी काफी अच्छा हो गया है. पहले उसको भी ना यहां पर और यहां पर थोड़ा सा था पिगमेंटेशन, बट नाउ इट हैज इंप्रूव. इफ आई गेट अ पिक्चर, आई गेस आई विल गेट अ पिक्चर, यस इफ आई गेट अ पिक्चर आई विल डेफिनेटली पुट इट हियर. आप देख पाओगे कितना बड़ा डिफरेंस है. टॉकिंग अबाउट माई मॉम अगेन, शी हैज एक्सट्रीमली ड्राई स्किन एंड उनकी स्किन के लिए परफेक्ट मॉइस्चराइजर आज तक मुझे नहीं मिला. मतलब उनकी इतनी ड्राई स्किन है, शी लिटरली अप्लाइज ऑयल ऑन अ स्किन इवन वेन इट्स यू नो इट्स summer days. So इतनी dry skin थी and I was quite skeptical before giving her this soap because again मैंने जैसे बताया post wash ये बहुत ज्यादा dry कर देता है skin को, फिर भी मैंने उन्हें दिया because उनका pigmentation का problem बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था. And after 5 days guys I saw visible changes in her skin. मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको स्किन लाइटिंग हुई, नहीं वो नहीं हुई, लेकिन उनकी स्किन इवन टोन्ड हो गई. आपको पता है ड्राई स्किन होना और ड्राई स्किन पे पिगमेंटेशन होना कितनी आम बात है. उनको बहुत ज्यादा था, उनको यहां यहां लाइक एवरीवेयर अराउंड माउथ शी हैड पिगमेंटेशन, बट दैट लिटरली वेंट ऑफ. आई कुड सी इट, उनकी स्किन एकदम इवन टोन्ड हो गई थी, नो लाइटिंग बट इवन टोन्ड. आई थिंक दैट्स अ विन विन सिचुएशन. सो एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं, सो आप 19 से लेके माय मॉम इज लाइक, अच्छा मैं उनकी एज बताऊंगी तो मुझे डांटेंगी. सो आपकी मम्मी की एज तक भी सब उसे यूज कर सकते हैं. मैंने ये जो सोप उन्हें दिया था इसीलिए दिया था सो दैट आई कुड एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि किन किन लोगों के लिए काम करता है. सो इट इज अ गुड सोप गाइज. It does what it claims, but then it also has certain side effects like texture and you know the stinging and everything. So you have to use it very cautiously. So guys, that was my review, my take on the Koji Sense soap. I guess आपको इस video के बाद अब एकदम clear हो गया होगा कि आपको इस product में invest करना है या नहीं, आपको इसको use करना है या नहीं. I would say You can give it a shot, but before using it, just do a patch test. And अगर ये आपको अच्छे results दे रहा है तो आप इसको regular use करो. But ऐसा भी मत करो कि आपकी skin को इसकी habit हो जाए. किसी भी चीज की habit skin को नहीं होनी चाहिए. आप इसे on and off use करो. Which product you want me to review next? Just comment and let me know. So that's it for today's video, guys. I hope ये video आपके लिए helpful रहा होगा. मिलते हैं next video में. तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए. Keep glowing. Bye bye.